श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में पटवारी संघ की निश्चितकालीन हड़ताल जारी हो गई है। उनकी मुख्य मांग वेतनमान है। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। विजयपुर पटवारी संघ के अध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने बताया कि हड़ताल को लेकर पहले ही पटवारियों के बस्ते तहसील में जमा करा दिए गए हैं। हड़ताल अवधि के दौरान किसी प्रकार से किसानों और शासन के लिए कोई कार्य नहीं किया जाएगा और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारी प्रमुख मांग 2800 ग्रेड पे की है जिससे हम काफ़ी समय से मांग करते आ रहे हैं परंतु प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने कई बार आंदोलन भी किया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हम सभी लोग पटवारी संघ की हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसका प्रथम चरण जो था हम सभी शासकीय ग्रुपों से लेफ्ट हुए। दूसरे चरण में हम सभी सामूहिक अवकाश 3 दिन का अवकाश लिया जिसमें 23, 24 और 25 हम सभी प्रांतीय आह्वान पर सामूहिक अवकाश पर रहे। उसके बाद भी हमारी समस्या अभी तक वो नहीं सुना गया तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं। 28 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे आप क्या करोगे? अगर हमारी को नहीं सुना जाता, हमारी गेट पे को जो प्रमुख मांग है उसको अगर प्रांतीय नेतृत्व या शासन नहीं सुनता है तो हम अपनी हड़ताल को आगे निरंतर जारी रखेंगे। आपकी प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग हमारी 2800 ग्रेड पे है जो काफ़ी समय से लंबे समय से अभी तक लंबित है।